मैं अपनी बच्चियों की शर्म हया को चैलेंज नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो जब हमने बदकिस्मती से इस अंग्रेजी करिकुलम के दखूल की इजाजत दे दी तो बिगाड़ के इतने रास्ते खुल गए हैं जो सीधा सीधा आपकी हुरमत पर उंगली उठाता है, और आपकी हुरमत से चलेगी मेरी कौम, आपके बिगाड़ से बर्बाद हो जाएंगे हम। किसी की शोबाजी में मत आइए। मैंने बड़ी होशियारी के साथ, शायद ये लफ्ज माकूल होगा, मेरे पास तुम हो में के आखिरी एपिसोड में लिखा था कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। तो सबसे खूबसूरत बनने के लिए एक तरीका मेरे दीन ने वजह किया है, वो है हया का। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लड़की में हया से पहले कोई खूबसूरती नहीं है। हम जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़े हैं, फाइनेंशियली, मॉरली, पॉलिटिकली, तबाही हमारे सामने डट कर खड़ी, हमें मुंह चढ़ा रही है। इसमें अगर सोशल सेटअप बर्बाद हो गया तो $2.9 बिलियन के रिजर्व के साथ आप चंद महीने नहीं निकाल सकेंगे। माशरा औरत चलाती है, इसलिए बाकी जो हमने जो जलालतें करनी थी, कमानी थी, कमा चुके। अब यही एक वाहत तरीका है कि आप अपने अंदर दी हुई अल्लाह की मेहरबानी से इनकार की काबिलियत को इस्तेमाल करें। किसी के गुलाब का इंतज़ार मत कीजिए, बेहतरीन गुलाब वही होगा जो आपका शौहर आपको देगा। और गुलाब खरीदने वालों, इस दफा कलमा पढ़ के कसम खाओ, मुझसे वादा करो कि डट के गुलाब खरीदना पर देना अपनी बहनों को जाकर। क्या कह रही, तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, बात को समझना बड़ा जरूरी है बच्चे। दो चार चीजें जो शायद मैंने पहले भी कही हूं, मैं हमेशा जब भी ड्रामा लिखता हूं तो मेरा टारगेट मेरे हाँ की औरत होती है, क्योंकि मर्द पर मेरा एतबार ही कोई नहीं है। जब तक आपके अंदर इनकार की काबिलियत है, हमारी कोई औकात ही नहीं कि हम आपको गुलाब पहुंचा सके। और याद रखिएगा, मर्द और औरत में सबसे बुनियादी फर्क क्या है कि औरत के पास इनकार की काबिलियत है, वो मर्द के पास नहीं होती। तो दो तीन चीजें मैं आपको रिपीट में समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो उर्दू डिक्शनरी में जाके, उर्दू अंग्रेजी डिक्शनरी है, उसमें मेकअप के माने तलाश कीजिए। मैंने जब जब, पता नहीं अब आप लोगों ने कोई ऐसी तकरीर सुन ली हो और आप में से
कुछ को मालूम हो, लेकिन मेरा मैं हैरान हूँ कि मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटियों में इस बात के बारे में पूछा, इवन एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी थी जिसमें सिर्फ लड़कियां थी, और मैंने पूछा ये मेकअप क्या उर्दू तर्जुमा क्या है, तो सबके जवाब नहीं थे। अच्छा, मैं आप लोगों को मुश्किल में नहीं डालता, मेकअप का एक इकलौता उर्दू तर्जुमा है कमी पूरी करना। तो जब आप ब्रश उठाती हैं तो सबसे पहले आप इस बात का ऐलान करती हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है। फिर आपको इजाजत है, मेरा मजहब दुनिया का मॉडर्न मोस्ट रिलीजन है, आपको इजाजत है जब आप ब्याह ही जाएं तो अपने शौहर के लिए मेकअप करें, लेकिन ये होता नहीं है। वो बेचारा जो घर आता है तो दूजा ही को मुंह गड़ के बहा देना है।